100 से ज्यादा लाइसेंस बताए जा रहे हैं। अविनेश्वर चंद्र श्रीवास्तव सीओ सिटी, आरवी गुप्ता आरआई आरटीओ कार्यालय शाहजहांपुर नंदलाल, यूपी के शाहजहांपुर में भारी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुए हैं। हड़कंप मच गया है। लाइसेंस से कूड़े के ढेर से लावारिश हालत में मिले हैं। पुलिस ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है इस पूरे मामले की। दरअसल कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कच्चा कटरा मोड़ के पास कूड़े के ढेर में 100 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस लावारिश हालत में पड़े हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस की टीम ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस को अपने कब्जे में ले लिया है। इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा ये ड्राइविंग लाइसेंस हैं। सभी ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर शाहजहांपुर के अलग अलग पदों पर बनाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी तरीके से तैयार किए गए हैं। पुलिस को यह भी आशंका है कि इन फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों को इस्तेमाल करने के लिए किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पर लगे फोटो नई उम्र के युवकों के हैं। फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस कहां से आए हैं और किसके हैं, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस गहनता से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह 100 नंबर की एक सूचना थी जिस पे पुलिस ने जाकर के जांच किया तो 44 डीएल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे मिले हैं जो पड़े हुए थे सड़क के किनारे, जिनको ला करके पुलिस द्वारा दाखिल किया गया है और एआरटीओ को रिपोर्ट भेजी गई है। वो जांच करके जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। सहारनपुर से नंदलाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। नंदलाल, ये कूड़े के ढेर में ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं, अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में? जी, 44 डीएल जो थे के कूड़े के ढेर में मिले थे, जिसमें पब्लिक ने स्वयं पर पड़ताल करने के बाद पुलिस पहुंची और वहां पे पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए आरटीओ कार्यालय भेजे। लेकिन आरटीओ वालों का कहना है कि अभी इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा ये कैसे वहां पहुंचे हैं। हालांकि जो रजिस्ट्री करते हैं ये लोग फ्रेंचाइजी के थ्रू करवाते हैं, तो यहाँ से जो डील बनते हैं वो फ्रेंचाइजी को दे देते हैं, वो लोग रजिस्ट्री के थ्रू लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। जी लक्ष्मी। नंदलाल, ये 100 से ज्यादा लाइसेंस हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, अगर इनकी बात की जाए तो अब तक ये किस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं? आखिर इनकी प्रवृत्ति अब तक कहीं कुछ शक के घेरे में नहीं है? अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इन लाइसेंस के आधार पर? ये एक बहुत बड़ा यहाँ आरटीओ कार्यालय में जो खेल चलता है, फर्जी आईडी बनाते हैं लोगों के, जो बाहर के रहने वाले लोग हैं उनके लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं। और ये अभी से नहीं, काफी समय से चल रहा है। यहाँ के दलाल जो है पूर्ण रूप से जो है आरटीओ ऑफिस पे हावी हैं। वो लोग भी बहुत दलालों से कई बार उन लोगों की झड़प हो चुकी और पुलिस प्रशासन से इस पर कोई जो है गंभीर निर्णय नहीं ले पा रहा है। प्रशासन ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर अब तक नंदलाल? अभी तक तो जांच की ही बात कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।